दोस्तों लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो लाल सिंह चड्ढा 11 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। सिनेमाघर में रिलीज होने के साथ ही फिल्म को काफी बड़ा जो है स्लैशबैक देखने को मिला। दरअसल फिल्म काफी ज्यादा जोरों शोरों से प्रमोशंस के साथ सबके सामने आई, लेकिन कम ही लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। ज्यादा लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म रीमेक है और आमिर खान जो है इस फिल्म में कुछ खास अलग तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसी एक्टिंग उन्होंने 3 इडियट्स पीके के अंदर की थी, वही एक्टिंग वो इस फिल्म में भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि कोई खास वर्सेटिलिटी इस फिल्म में दिखाई नहीं दी। इसी का संदर्भ ये रहा दोस्तों कि ये फिल्म के जो शोज हैं वो 1300 से भी ज्यादा शोज को बंद कर दिया गया है। यानी महज रिलीज होने के अगले दिन ही फिल्म के काफी सारे शोज को बंद करके रक्षाबंधन के शोज को एक्स्ट्रा कर दिया गया है। जहां लाल सिंह चड्ढा ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, जब वो सिनेमाघरों में आएगी तो ज्यादातर बड़ी स्क्रीन्स पर यही फिल्म लगेगी। अक्षय कुमार की फिल्म छोटे बजट की थी, लाल सिंह चड्ढा काफी सालों बाद यानी आमिर खान काफी सालों बाद आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं फैंस भी चाहते थे कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर जोरों शोरों से आए। लेकिन फिल्म को वैसा जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि आमिर खान ने सोचा था, और लगभग 1300 से ज्यादा शोज जो है बंद हो गए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म जो है वो किस स्थिति में आ चुकी होगी। इसके अलावा फ्राइडे यानी कि जुम्मे के दिन भी कुछ खास कमाल दिखाती नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि जो ये लॉन्ग वीकेंड है इसके ऊपर क्या करती है। बहरहाल पहले दिन की कमाई की बात करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ ही कमा पाई है। आपका क्या मानना है, क्या आपने फिल्म को देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।